अकोला के बार्शी टाकली में कल शाम के समय पैसे लेने को लेकर एक ही समुदाय के दो गुटों में संघर्ष हुआ, जिसमें एक गुट की ओर से बाहर के लोगों को बुलाकर मारपीट की गई। झड़प के दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें सुल्ताना परवीन नाम की महिला घायल हुई है। बाहर से आकर गांव में उत्पात मचाने की खबर जैसे ही गांव वालों को मिली, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और आए लोगों को घेर लिया, मारुति गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की। घटना की खबर सबसे पहले अकोला के एसपी जी श्रीधर को मिली। उन्होंने तुरंत प्रभारी थानेदार श्रीरंग सनस को घटना स्थल रवाना करते हुए खुद भी सभी आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल से 6 आरोपियों को दबोचने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। 3 फरार आरोपियों का पीछा कर उन्हें भी हिरासत में लेकर 8 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। 28 मई तक पीसीआर के आदेश दिए गए। मुख्य आरोपी वासिमुद्दीन कुटबुद्दीन उर्फ गुड्डू ने अमरावती शहर से मारपीट के लिए अपने साथियों को बुलाया था। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल को थानेदार श्रीरंग सनस ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। मैं श्रीरंग सनस, थाने अमला, बारसी टाकरे। कल हमारे एसपी सर जी श्रीधर सर, इन्होंने कॉल किया कि खड़गपुरा में कोई बाहर से लोग आके दो गुटों में मारपीट हो रही है। तो हमने तुरंत हमारी टीम को यहाँ से वहाँ भेजा, हम भी चले गए। उसके बाद एसपी सर, एडिशनल एसपी मैडम मुनिका रावत और एसडीपीओ संतोष रावत, ये भी अपने अपनी टीम में साथ में लेके आए और हमें मार्गदर्शन किया। हमने उस जो जगह पे 6 लोगों को लोगों ने घेरा था, उनको वहाँ से निकाल के हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन लेके आए। उनमें से और 3 लोग थे कि वहाँ से निकल गए थे, तो मैंने मेरे दल को बोला कि तुरंत वो रास्ते से आप उसका पीछा करो। तो यही मेरी टीम जाके उन्होंने वो रास्ते भी उसको हिरासत में ले लिया, पुलिस स्टेशन लेके आए। हमने 9 लोगों को हिरासत में लिया और 2 गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके आए। हिरासत में लिए लोगों को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 28 तारीख तक पुलिस कोठड़ी दी है।